वेलकम गाइस टू माय चैनल। और वैसे मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिल्ड्रन काफ़ी दिनों की लीव छुट्टी में वीडियो नहीं डाला था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा माइनक्राफ्ट के अंदर ग्राइंडिंग कर रहा हूँ था मैं उस समय। जैसे कि आपसे मेरी इन्वेंटरी के अंदर देख सकते हैं ग्राइंडिंग के वक्त मुझे मिले डायमंड आर्मर, वो भी इंचांटेड वाला, कौन कौन सी टेक्निक लगी है। और वैसे मेरे पास मतलब काफ़ी सारे विलेजर हैं, बहुत सारे मतलब बेमतलब के। वैसे मैं आज पे इस विलेजर से मैं मेंडिंग की ट्रेडिंग हाँ, तो गाइस मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पहन लिया अपना पूरा पूरा डायमंड आर्मर, पहन लिया हाँ डायमंड आर्मर फुल्ली मेरे। और वैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, मेरे पास और क्या क्या है। एक बहुत ही ओपी तलवार, और इस चेस्ट को मैंने अगर खोला तो आपकी आप हक्के बक्के रह जाएंगे। इतनी सारी डायमंड की एक्स, एक डायमंड की पिकैक्स जो कि मैंने विलेजर से ट्रेडिंग करते वक्त ली, और मैं सोच रहा हूँ मैंने एक डायमंड की पिकैक्स क्यों क्राफ्ट की जबकि मेरे पास इतनी सारी डायमंड्स की तो कोई चिंता नहीं, इतनी सारी एक्स है। एक तो भाई मैं एक्स ऐसे हवा में फेंक सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और एक तो बिल्लियाँ बहुत सारी आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से विलेज के अंदर लगता है काउंट होने लगे हैं। और बाहर की दुनिया का क्या हालात है ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बाहर के विलेजर्स बहुत ज़्यादा तड़प रहे होंगे, क्योंकि अब इस समय मैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह शायद पूरा विलेज खाली हो गया। वो विलेजर कहीं फिर से पास वाले गांव के अंदर शायद दो दिन चले गए, मुझे पक्का लग रहा है ये गांव ढूंढना पड़ेगा मुझे। अगर आप वो गांव ढूंढना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए दूसरा गांव जहां पे मेरे विलेजर चले जाते हैं, पता नहीं क्यों वहां के गांव के अंदर मैं रहने लगा हूँ। ओह हनी बी का छत्ता, यानी कि वी मेक ऑटोमेटिक बी फार्म बना सकते हैं, यहाँ पे एक बी हाइव है या बी नेस्ट। वाह आसपास में मधुमक्खी नहीं दिख रही, लेकिन अभी हम छेड़ेंगे नहीं उसको। तो मैं नहीं उधर नहीं जाना, किसी ने कुछ नहीं देखा, वो मेरा मेगा प्रोजेक्ट है यार, उधर पे जा रहा हूँ। हाँ तो गाइस वो मेरा एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा अगर आप मेरे 30 सब्सक्राइबर्स करा देते तो मैं मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दूँगा, मतलब वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा उसकी। तो मैं वहाँ पर मेरा मेगा प्रोजेक्ट है वैसे, जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स ने किया होगा, ये बहुत माइनक्राफ्ट प्लेयर्स ने, बहुत कम माइनक्राफ्ट प्लेयर्स ने किया होगा मेगा प्रोजेक्ट। तो ये बहुत ही अनोखी, बहुत ही वो भी पूरे पूरे सर्वाइवल के अंदर से मैंने तोड़ा है, तो बहुत मेहनत लगी इसको। और यहाँ पर वैसे मैंने कुछ डॉग्स भी टेम किए, इसका नाम है टॉमी, नहीं मैं टॉमी नहीं रखूँगा, वो मैं नाम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रुक जाना, वो मैं नाम आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन डॉग्स का, दो डॉग्स के नाम आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स आपके, मैं कुछ कमेंट्स पिक कर लूँगा, दो कमेंट्स मैं पिक करूँगा अपने डॉग के नेम के लिए, जिसके नेम टैग चाहिए होंगे, लेकिन वो तो लाइब्रेरियन से ट्रेड करके मैं ले लूँगा, उसको लेवल अप करके वो नेम टैग ट्रेड करने लगते हैं, इस वजह से नेम टैग मिल जाएगा। और उसे बाहर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एज प्रोटेक्शन, ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी या स्केलेटन ना आ सके। ओ काम करो सब लोग अपन, ओ भाई ये मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए, सब लोग अपनी कौन किसको मारा, मेरे विलेजर्स को मारा क्या, मैंने कुछ नहीं किया विलेजर, मैंने तुम्हें जान बताई इससे, देखो डरना नहीं भाई, ऐसे घूम रहे जैसे अभी के अभी मुझको पकड़ के जेल में डाल देंगे। देखो तुम लोग मेरे घर के अंदर रहते हो तो किराया भी नहीं देते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन था। अंकल चाचा, अंकल भैया कुछ नहीं, वी आर फ्रेंड्स ना, है ना, हाँ फ्रेंड्स। तो ये लोग यहाँ पे मतलब कि इन्हें खेती करने में एंगुलम की मदद चाहिए, वाह नहीं वाह, मतलब कि एंगुलम स्पॉन कर रहे, तूने स्पॉन किया, तू बेटा आएगा मेरे आयरन फार्म के अंदर, बहुत सारे ब्लैक स्मिथ हैं,
तीन तीन ब्लैक्स में तीन तीन फार्मर, इतनी सही से चीज़ें ट्रेड करने के बाद ये डायमंड आर्मर देने लगते हैं गाइस। और इनकी एक ट्रिक बताऊँ आपको, स्टिक ट्रेडिंग तो आपने सुना ही होगा कि विलेजर्स की चीप होती है, और ये स्टोन ट्रेडिंग, क्योंकि स्टोन के स्लैब्स, ये स्टोन लेके आपको एमरल्ड देता है, और ये वाले भी इन पत्थरों के किसी को कोई वैल्यू नहीं है, वो इनके लिए बहुत कीमती है। और तभी मेरे यहाँ पे मैं चेस्ट रूम थोड़ा और एक्सपेंड किया, और तभी मेरे यहाँ पे जितने पत्थर थे वो साइड से स्टैक्स पड़े हुए थे, उस साइड से मैंने इसको विलेजर को ट्रेड कर दिया, सेल कर दिया। और ये है मेरा ऑटोमेटिक सुपर स्मेल्टर 10,000, जिसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ स्मेल्ट होने की गलती कुछ है, हाँ, स्टैक्स कॉबल स्टोन के, तो ये ऑटोमेटिकली दोनों की दोनों फर्नेसेस के अंदर चले जाते हॉपर्स के थ्रू। और मैं आपको एक और चीज़ एक कमाल की बात बताऊँ, ये पूरे पूरे एक स्टैक ही रहेगा, क्योंकि इसके हॉपर्स के अंदर अगर जैसे कोई एक कोल जैसे जलने ख़त्म हो जाता है, तो ये यहाँ से हॉपर से एक और कोल इसके अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये हमेशा स्टैक में रहेगा। देख रहे हैं गाइस मेरी टेक्नोलॉजी। बस स्मेल्टर के अंदर भी हम कुछ डाल देंगे, व्हाई नॉट, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, ग्रेवल, ग्रास, बहुत सब कुछ ट्रेड कर करके बहुत आइटम्स हैं। खराब सुन दुख सोते रहते ट्रेड चेक, मेरी ट्रेड्स तो मुझे बिल्कुल पसंद है। और अब मैं जब ट्रेड इनकी देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत इंसान से आर्मर बाय कर लिया, क्योंकि एक मेरा बेड कहाँ है, तो सो जाते हैं इनके बगल में, बेड तो वैसे भी गाते हैं लोग सोते नहीं, तो हम सो जाते हैं। अब देखना गाइस, ऐसे उठते ना एक दो बार तो मैं ही चौंक गया कि भाई क्या बताओ क्या ट्रेड है तुम्हारी, क्या ट्रेड है मारना नहीं चाहता, ट्रेड्स बताओ। बुक तो जा भाई, मैं अभी बुक क्राफ्ट करके आता हूँ, लेदर निकालो, ऊपर है बिल्ली, हट जाओ, बुक जितनी क्राफ्ट हो सकती है करो, हो गई क्राफ्ट। के बाद हम बनाएंगे प्लैंक्स, कितनी बन सकती है, चार बुक शेल्फ बनाती, कितनी बुक्स बची, एक जितनी चाहिए उतनी ही है। और वैसे इनकी ट्रेड करते करते इंचार्टमेंट बुक्स भी मुझे मिल जाती हैं। और लेजर कौन सा था, मुझे लेजर ढूंढना पड़ेगा, एक घंटा तुम था, हाँ माया कर लिया मैंने कॉल किताब से। और मेरे इंटरनल बुक वाली कहाँ है, कहानी कहाँ है, मुझे चेस्ट रूम थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आज की वैसे वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं बस ये बताना चाहता था कि मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग कर ली है, और मेरे पास पूरा पूरा इंचांटेड डायमंड आर्मर, डायमंड के टूल्स भी आ चुके हैं, साथ में पकड़ेंगे हम, तो इसीलिए मैं ताकि मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग करूँगा तो ऐसे सबको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, कि कोच कर रहा हूँ, कि मैंने ऐसे चीटिंग कर ली, डायमंड आर्मर कैसे आ गया तुम्हारे पास। तो मैं इसीलिए वैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी, और होप यू एंजॉयड, बस ये मेरा इतनी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉयड, बी शोर टू लाइक इट, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तक के लिए बाय बाय। तो गाइस मैं अंदर आ गया हूँ, और वैसे मुझे बस ये कि और एक और चीज़ कहनी थी आप लोगों से, कि आप लोग वैसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि वैसे मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, इस बार बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ आएंगी मेरे चैनल के ऊपर, जैसे कि मैं अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूँगा, बिल्डिंग ऑटोमेटिक फार्म्स, शुगर केन फार्म, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं करूँगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।